हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, जिसके डिज़ाइन पर मैंने हज़ारों रुपये खर्च किए हैं। तो जल्दी से उस डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हैं। पर ये रहा वो डिज़ाइन जिसको मैंने हज़ारों रुपये अभी खर्च किए हैं, ठीक है, लास्ट 3 या 4 दिन में कंटिन्यूसली 5 6 दिन काम चला है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा आप एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये जो है, कहाँ गया, वेयर इज़ माई कर्सर, ओके, ये जो हमारा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है, ओके। और ये इसके मिडिल में जो लिखा हुआ है, दैट इज़ हेलो जी, ये हमारा एक टेक्स्ट है, ओके। तो मतलब ये स्क्रीन है एंड्रॉयड फ़ोन की और उसके बीच में हम लोग लिखा हुआ है हेलो जी। तो हमें ये एप्लीकेशन बनाना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यार जब इतने दिन हमारे डिज़ाइन पे लगे हैं तो मैं नहीं चाहता कि 4 5 दिन और लगे इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेंगे। यू जस्ट ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके। तो ओपन हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इस पे हमें नहीं जाना है, ये हमारा जावा या कॉटलिन से बनाने के लिए होता है। सो जस्ट प्रीवियस बटन पे क्लिक करो या फिर कैंसिल बटन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक्चुअली बनाना क्या है, एक फ्लटर एप्लीकेशन प्लग इन पैकेज या मॉड्यूल, राइट। सो वट वी आर गोइंग टू मेक इज फ्लटर एप्लीकेशन, राइट। तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट। देन हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, ओके। वहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम डाल सकते हैं, नॉट एप्लीकेशन का नेम नहीं, वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ हेलो जी, ठीक है, तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं, मतलब ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा नहीं, जो करना है कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर केस विद अंडरस्कोर्स। तो आपको जो नाम देना है पैकेज का नेम, जैसे कि आपका मोस्टली पाइथन वगैरह में भी होता है, ओके, कि जो हमारा नेम होता है वो प्रोजेक्ट का नेम, वो हम अंडरस्कोर से मतलब वर्ड्स को अलग अलग कर सकते हैं और सारे लेटर्स हमारे स्मॉल होने चाहिए, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रिएट हेलो अंडरस्कोर जी, परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट हमारा फ्लटर एसडीके का पाथ है, ठीक है भाई। उससे नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ प्रोजेक्ट लोकेशन है कि कहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट सेव होगा, तो इसको हम ये कर सकते हैं यहाँ से चेंज, ठीक है। देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन, अ न्यू फ्लटर एप्लीकेशन। तो यार लेट्स से कि आप कोई बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, एक सेकंड रुको, चाहे आप यार इंस्टाग्राम जैसा कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे, प्लेटफॉर्म टू शेयर, शेयर क्या, वीडियोस एंड फोटोज। अब तो रील्स भी आ गई है, राइट, शॉर्ट वीडियोज भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसा कुछ आप डिस्क्रिप्शन का डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ जो रियलिटी है, अ लर्न टॉप एप्लीकेशन, सही लग रहा ना ये, ओके, अ सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ पैकेज नेम। तो पैकेज नेम हमारे पास में यहाँ पे है com.tegramacademy.helloj। सर पैकेज नेम, यू कैन से इट इज़ अ वे टू यूनिकली आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम मोस्टली कैसे देते हैं, लेट्स से कि आपका नाम है इंद्रजीत, ठीक है, वो तो मेरा ही है, तो आपका नाम कुछ और कर लेते हैं, आपका नाम है राहुल, ठीक है। सो वट वी विल डू, वी विल जस्ट कॉपी दिस थिंग, या इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डॉट राहुल, ठीक है। तो काइंड ऑफ डोमेन है आपका ये, ओके। तो अगर आपका कुछ और है, लाइक आपकी कंपनी है, कोई सी कंपनी का नाम, जैसे कि टेग्राम अकेडमी, तो ये एक्चुअली आपकी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में हमारे एप्लीकेशन का नेम, ठीक है, बाकी अभी के लिए इनको लीव एज इट इज़, ठीक है। हम और चीज़ चेंज करेंगे इसके बाद में, देखेंगे इसको भी और डिटेल में। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ अभी के लिए। और ये आया हमारा क्या भाई, टिप, ठीक है, इसको हम कर देते हैं बंद ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास में कभी ना आए, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट। तो यार फॉन्ट मैंने पहले से बड़ा करके रखा है, लेकिन इससे बड़ा नहीं कर सकता, तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है, क्योंकि खुद को भी बनाने में थोड़ा सा वो होनी चाहिए ना। तो अभी के लिए अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँ, तो यार रन करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे या फिर आईओएस डिवाइस पे, अगर आपके इसमें मैक है, ठीक है। मेरे पास मैक नहीं है, तो आई विल जस्ट यू नो रन दिस एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ओपन एंड्रॉयड एमुलेटर, जो भी आपका एमुलेटर आपके पास में अवेलेबल है, ओके। अगर आपकी खुद की डिवाइस है, आपके सिस्टम में रैम कम है, तो इन दैट केस आप अपना जो पर्सनल एंड्रॉयड डिवाइस है वो भी अटैच कर सकते हो। कैसे अटैच करोगे, डिबग मोड ऑन करना है। डिबग मोड कैसे ऑन करते हैं, सेटिंग्स में जाके, ठीक है। कुछ लोग अबाउट फोन में भी आता है, मतलब अलग अलग जगह पे है, डेवलपर ऑप्शंस में जाके, ठीक है।
तो डेवलपर वाला जो मोड होता है वो ऑन करने के लिए आप क्या करना है कि अपनी डिवाइस का नाम और डेवलपर मोड, हाउ टू टर्न ऑन द डेवलपर मोड, जाके गूगल पे सर्च करना है। ओके, तो वहाँ से आपको अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग पता लग जाए कैसे डेवलपर मोड को ऑन करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जस्ट आपको डेटा केबल से कनेक्ट करना है, ठीक है, और एक दो परमिशन मांगेगा फ़ोन के ऊपर। ओके ओके कर देना है डेटा केबल लगाने के बाद में। ओके, देन उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी डिवाइस वो हो जाएगी शो, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी डिवाइस नहीं शो हो रही है, आपको सिर्फ ये दो डिवाइसेस शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को चूज़ करूँ, ओके, तो ये हमारा फटाफट से आ गया। तो मैं इसकी थोड़ी सी जगह दे देता हूँ क्योंकि क्योंकि हम इसकी ज़रूरत है, राइट। तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम उसको थोड़ी सी जगह देते हैं, राइट। ओके, तो अभी के लिए अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँ तो यार फर्स्ट टाइम तो होगी यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड, ठीक है, ग्रेडल टास्क का सैम्पल डिबग, ये जो भी है बहुत सारा टाइम भी ले सकता है, कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है, जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। ओके, तो यार ये आ गया हमारा एप्लीकेशन, राइट। अगर उस बटन पे क्लिक करूंगा, ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये बड़े मज़ेदार एप्लीकेशन है, लेकिन हमें इतना सिंपल एप्लीकेशन नहीं बनाना, ठीक है। हमें एक बड़ा ही तगड़ा, जिसपे हम 1000 रुपये खर्च किए थे, ठीक है, हमें बोल एप्लीकेशन बनाना है, वो हमारा है ये, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, बस वापस आएंगे, उठा के सब कुछ डिलीट कर देंगे, सिर्फ वॉइड मेन को छोड़ देंगे। ओके, तो मैं यहाँ से सारा कुछ कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरी क्लास को मैंने यहाँ से हटा दिया बिकॉज वी डोंट नीड इट, और एक और क्लास है हमारे पास में उसको भी मैंने हटा दिया। ओके, सो अब यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, वो कह रहा है माई ऐप किधर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा ऐप मैंने गायब कर दिया। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अब बात करते हैं इस फंक्शन की। तो जैसे कि आप सी में देखा होगा, जावा में देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ से रन करता है, वॉइड मेन से, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन जहाँ से हमारे एप्लीकेशन की स्टार्टिंग होगी। ओके, देन व्हाट वी हैव रन ऐप, तो ये वो फंक्शन है जो हमारे एप्लीकेशन को रन करेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से एप्लीकेशन रन होने की, ठीक है। हमारे कंपाइलर को उसको पता लगेगा भाई यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, और स्टार्ट कौन करेगा, ये फंक्शन रन ऐप। ओके, सो देन इसके बाद में इस रन ऐप को क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होते हैं विजिट्स, कि आप करना क्या चाहते हो, क्या वहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो अपने स्क्रीन पे। अब इसको हम बोल के अगर समझा सकते, बात अलग थी कि यार हमें हेलो जी ड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, बाद में सारा कुछ एकदम सिंपल सिंपल लगेगा। फिर किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहली बात कि जो हम बटन बनाएंगे या जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो किस टाइप का होना चाहिए। अब अगर लेट्स से कि आप यार एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, अब आप उसमें विंडोज़ वाले बटन तो नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं लगेंगे, आप पता लग रहे विंडोज़ जैसे लुक स्टाइल वाले बटन डाल रहे हो, ठीक है, और वो एंड्रॉयड में शो हो रहा है तो कितना अजीब लगेगा, राइट। तो ऐसी चीज़ों को सबको नेगलेक्ट करने के लिए, साइड में करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक थीम, राइट। यहाँ हम बात करें कि यहाँ पर हम कौन सी थीम यूज़ करने वाले हैं, दैट विल बी मटेरियल ऐप। ओके, तो अगर कैसे स्पेल करेंगे, MATIM, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो इस थीम को हम करने वाले हैं यूज़। तो ऑन द टॉप ऑफ आवर एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो स्टार्टिंग किससे होगा, इस मटेरियल ऐप से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, तो आप इसको समझ सकते हो एज अ दादाजी टाइप में, ठीक है, कि वो हमारे घर के हेड हैं और बाकी सारी चीज़ें उनके अंदर आएंगी, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है मटेरियल ऐप के बारे में तो आप इस साइट पे आ सकते हो, material.io। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे चीज़ें तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, किस टाइप के एप्लीकेशन है, किस टाइप के डिज़ाइन आप बना सकते हो material.io से ही, सारे कलर्स हैं, ठीक है, ये डिज़ाइन है हमारा, बटन्स वगैरह सब कुछ बना सकते हो आप, देखो यार, ठीक है। आइकन्स हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप इसको अपने iOS डिवाइसेज, या मैं बात करूँ वेबसाइट्स की, तो कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मटेरियल एप्लीकेशन, राइट, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लेंगे यार, एक टेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, मटेरियल ऐप, और उसके बाद में यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट, सिंपल। तो मटेरियल ऐप हम अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में कैसे बनाएंगे, जस्ट कम हेयर, और यहाँ पे हम लिखेंगे मटेरियल ऐप, इतना सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद में इसका एक काइंड ऑफ कह सकते हो, एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ होम, जहाँ से सारा कुछ स्टार्ट होगा, कि आप करना क्या चाहते हो एक्चुअली इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो हम होम पे आए, इसके अंदर हम बताएंगे हमें चाहिए क्या था, हमने अभी क्या बनाया था यहाँ पे, कि भाई मटेरियल ऐप के अंदर हमें चाहिए क्या, एक टेक्स्ट, राइट।
इस होम पे मैं दे दूंगा क्या भाई, एक टेक्स्ट, ओके। और इस टेक्स्ट के अंदर में क्या लिखना था, हेलो जी, ओके। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, ये किया मैंने रन, कहाँ गई हमारी एंड्रॉयड डिवाइस, ओके। तो ये हमारा हो गया हेलो जी रन। क्या हमें ऐसा ही चाहिए था? तो अगर हम अपने 1000 रुपये वाले डिज़ाइन पे देखेंगे यार, तो यहाँ पे देखो हमें ऐसा नहीं, हमें सेंटर में चाहिए था हेलो जी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेंटर में, तो मुझे नहीं लग रहा है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं भाई इसके लिए? तो हम इसको चाहिए सेंटर के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि फ्लटर में हर एक चीज़ विजिट है, ओके। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो सेंटर है ना हमारा, वो भी एक विजिट है। तो मटेरियल ऐप के डायरेक्टली बाद में टैक्स नहीं आएगा, इसके बीच में हम क्या करेंगे, डाल देंगे सेंटर, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, मटेरियल ऐप दादाजी, देन सेंटर, देन वी हैव टेक्स्ट, ये आप, ओके। तो अब इसको हम इसमें कैसे करेंगे, हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। सो आई विल जस्ट गो होम टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में हम डालना है सेंटर, ठीक है। तो मैं एक ब्रैकेट इधर, एक ब्रैकेट इधर, ओके ओके। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, वो बोला सेंटर की कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे हमारी मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टी है होम, राइट। तो ऐसे सेंटर की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो सेंटर की प्रॉपर्टी है चाइल्ड। तो यहाँ पे मटेरियल में हमारी होम प्रॉपर्टी है, जो सारी चीज़ें डिफाइन करी, कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, राइट। देन वी हैव सेंटर, और सेंटर क्या क्या करना है हमें, ये चाइल्ड, इसका चाइल्ड क्या है, टेक्स्ट। तो हमें सेंटर करना है ये टेक्स्ट, राइट। तो ये कहना चाह रहा है। तो अगर मैं अब इस एप्लीकेशन को जाके यहाँ से रन करूँ, ओके, तो ये हमारे कहाँ पे आ गया, सेंटर, हेलो जी, बिल्कुल सेंटर में, राइट। अब लेकिन ये भी हमारे 1000 डिज़ाइन से कंपेयर में कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर हमें मटेरियल डिज़ाइन, मटेरियल ऐप अगर ऐसा टेक्स्ट देता है, तो भाई हम विंडोज़ वाला यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ देखूँ, लेट्स से कि हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, हमें बैकग्राउंड चाहिए नहीं था, राइट। देन हम क्या कर सकते हैं, ओके। तो यार ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन अभी के लिए एक चीज़ और बाकी है जो आपको कवर करनी है, दैट इज़ कि अगर हमारे पास में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे विजिट्स हैं, तो क्या उन सबको हम एक ही लाइन के अंदर लिखते चले जाएंगे? नहीं, राइट। तो अभी के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर सकते हैं, रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट, ओके। तो जब आपने ये फ्लटर एसडीके वगैरह इंस्टॉल किया था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना होगा भाई, कि जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं ना हमारे, लाइक ये वाले ब्रैकेट्स, फ्लटर की गाइडलाइन है कि आप इन ब्रैकेट्स के बाद में कॉमा ज़रूर लगा दिया करो। ऐसे क्यों लगाते हैं, कि इन कॉमा की हेल्प से ये जो हमारा रीफॉर्मेट कोड भी डार्ट फॉर्मेट है, ज़्यादा बेटर काम करता है। जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ इस पर, तो ये देखो यार, ये कॉमास के बाद में इसने न्यू लाइन पे ले आया, राइट। इस कॉमा के बाद में इसको ये न्यू लाइन पे ले आया। इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई इस रन ऐप के हमने अंदर लिखा है मटेरियल ऐप, और इस मटेरियल ऐप के अंदर है सेंटर, राइट। और सेंटर के अंदर क्या है, हमारा टेक्स्ट। तो ये काइंड ऑफ इंडेंटेशन हो जाता है हमारा, जैसे पाइथन में होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पे आ जाती है, और ये हमारा एप्लीकेशन, अब जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह लिखेंगे तो प्रॉपरली इस डिज़ाइन में होंगे, तो हमें पता लग जाए कौन से एप्लीकेशन सेम लेवल पे हैं, सॉरी सॉरी कौन से विजेट सेम लेवल पे हैं, ठीक है, और कौन से पेरेंट हैं, कौन से चाइल्ड, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।